एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे, जहां हम ब्रांड न्यू रीडिंग लेके आए हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, और जैसा कि आप सभी चाहते हो नेक्स्ट एक्शन, वो चेक करने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के थ्रू। तो आइए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आपकी प्यारी प्यारी रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि आखिरकार आपके जो पर्सन हैं, जो आपके पार्टनर हैं, वो आपसे चाहते क्या हैं। दूसरी बात ये कि आप अगर मैरिड हो, आप अगर सेपरेशन में हो, चाहे वो आपकी बॉयफ्रेंड है, चाहे वो आपके दोस्त हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव है, ये रीडिंग आपके लिए होगी। तो जस्ट अपने पर्सन का नाम लेके इस रीडिंग को देखिए, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आई नो आपको मेरा चैनल बहुत पसंद है, मेरी रीडिंग से आप कनेक्ट करते हो, रेजोनेट करती है, तभी आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो, आई नो। तो चलिए देखते हैं। हो सकता है ये आपको किसी निकनेम से बुलाते हो, मेरी जान, मेरी शोना, हो सकता है कोई और नाम दिया हो इन्होंने आपको उस चीज़ से, उसी नाम से। हो सकता है इन्होंने आपका नंबर सेव कर रखा हो। ये ना वो नाम, अगर आपका नाम भी है, उनको बहुत पसंद है, तो ये वो नाम कहीं पे लिखते हुए नज़र आ रहे हैं सच में। अगर मैं इस रीडिंग को डिस्क्राइब करूं तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी, ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं, ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं मैंने, इसलिए जाने जाना दीवाना। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। देखिए आप में से बहुत सारे लोग इनके एक्शन का वेट कर रहे हो, पर एक चीज़ जो आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो कि ये ऑलरेडी एक्शन लेने के लिए ही तैयार हैं। ये मान लो इन्होंने एक्शन ले लिया है, इन्होंने कदम घर से बाहर रख दिया है, दहलीज पार कर ली है, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। ये पर्सन पहले फैसला लेने से पहले इतना सोचते नहीं हैं, पर फैसला जैसे ही ले लेते हैं उसके बाद, जैसे कहते हैं दिमाग की बत्ती थोड़ी देर से खुलती है, थोड़ी देर से बचती है कि अरे यार ये तो गलत हो गया। ये वो इंसान है जो करने से पहले ज़्यादा सोचते नहीं हैं चीज़ें, फिर जब वो चीज़ हो जाती है तब माथा पकड़ के बैठ जाता है, अरे ये क्या कर दिया, अरे ये क्या हो गया, ऐसी एनर्जी है। जिस टाइम पे आप इनसे मिले हो वो टाइम बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा है, और उस टाइम जो नुकसान हुआ है कहीं ना कहीं अभी भी आप उनकी भरपाई कर रहे हो। हो सकता है उस टाइम आपको कोई एंट्रेंस देना हो सकता है आपकी कोई जॉब हो, और वो चीज़ आज तक हो नहीं पाई है, और कहीं ना कहीं आपको दुख होता है कि यार अगर ऐसा होता तो आज मैं ये होता, अगर ऐसा होता आज मैं वहाँ होती। तो ये रिग्रेट आपके लाइफ में है। लेकिन अगर इस पर्सन की बात करूँ तो करियर से रिलेटेड इनका कोई नुकसान तो नहीं हुआ, क्योंकि जो चीज़ उन्होंने सोची वो चीज़ वो कर रहे हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ अपनी लव लाइफ को लेके ये पर्सन खुश नहीं है। इस पर्सन को गर्व है, पता है, अपने प्यार पे। इस पर्सन को गर्व है जिन्होंने जिन्होंने आपको चुना है, और आप मतलब कहते नहीं है इनके लिए एक तोहफे की तरह हो, एक मेडल की तरह हो, जैसे कहते नहीं गोल्ड मेडल, ट्रॉफी की तरह हो, आप इनको मिल गए हो। इनको अंदाज़ा नहीं था कि आप इतने, जैसे कहते नहीं खरा सोना निकलेगा। स्पेशली ये पर्सन, अगर आपकी लॉयलिटी के बारे में बोलूँ तो ये पर्सन देखकर हैरान रह रहे हैं,
रह जाते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद अगर कोई इंसान कहीं पे खुश नहीं है तो वो इंसान बदल जाता है या फिर अपनी कंपनी को बदल लेता है। पर आपसे ज़्यादा लॉयल, आपसे ज़्यादा वफादार, आपसे ज़्यादा डटा हुआ इंसान इस पर्सन ने आज तक नहीं देखा। उस चीज़ की ये पर्सन बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं देख रही हूँ कि जैसे कहते नहीं, आंसू पूरे भर जाते हैं आंखों तक, किसी तरीके से आप कोशिश करते हो कि बस वो नीचे ना आए। ये हाल है आपके पर्सन का। इनके आसपास वाले भी इनको बोल रहे हैं कि अरे भाई, अरे बहन, क्या हो गया है, तुम चुप चुप से रहने लगे हो। हालांकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। ओह माय गॉड, हिचकी आपको भी आ रही है क्या? डेफिनेटली ये पर्सन आपको याद कर ही रहे हैं इस वक्त भी। आपने देखा होगा, जब जब ये पर्सन आपसे बात करते हैं ना, बहुत दिल से बात करते हैं, बहुत दिल से बताते हैं आपको अपने इमोशंस के बारे में। अपने इमोशंस के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोलते, और वो चीज़ इनके चेहरे पे दिखाई दे रही है। आजकल जिस किसी से भी ये पर्सन मिलते हैं, हर कोई इनको यूँ पकड़ लेते हैं, अरे भाई कुछ प्रॉब्लम है क्या? पर ये पर्सन किसी से शेयर नहीं करते। कैसे बताएंगे कि इनके एक्शंस की वजह से ही तो आप दोनों का सेपरेशन है? कैसे बताएंगे? कोई भी इंसान खुद पर ब्लेम करने से पहले बहुत बार सोचता है, अपनी कहानी वो इस तरीके से बताता है जहाँ लगे कि अपनी गलती कुछ नहीं है, सामने वाले की वजह से ही आज हम इतना ज़्यादा बर्बाद हुए पड़े हैं। मैं देख रही हूँ शायद इस पर्सन ने ऐसा भी कुछ कहा है किसी से। पहले ना मैं देख रही हूँ ये पर्सन मुझे क्यों थोड़े अलग अलग से और मिक्स एनर्जी लग रही है, और स्टक एनर्जी क्यों लग रही है कि ब्रेकअप के तुरंत बाद इस पर्सन ने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए हैं। बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए हैं और इन्होंने शायद आपके ऊपर ब्लेम भी डाला है, ये सोच के थे कि शायद ऐसा बोलने से इनको खुशी मिलेगी। पर ऐसा बोल के भी इनके अंदर से जो दर्द है ना, वो कभी कम हुआ ही नहीं। तो मैं देख रही हूँ ये पर्सन चोट खाया हुआ है, ये पर्सन बिल्कुल पीछे मुड़ के देखता है तो इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत बर्ताव किया है, इन्होंने बर्ताव बहुत गलत किया है, इन्होंने आपके साथ बहुत ही नाइंसाफी से किया है। जो चीज़ इनको खुद को ही पसंद नहीं आती, सोचो आपके साथ तो इन्होंने कर दी है। पहले ये इंसान अपनी कहते नहीं ज़िंदगी को हथेली पे रख के चलते थे कि अरे कोई नहीं, देख लेंगे ये वो, पर अब अपने हर एक सोच, हर एक फैसले को ये इंसान बारीकी से लेता है, क्योंकि ये इंसान अब घर गृहस्थी बरसाना चाहता है। ये इंसान अब थक चुका है पॉलिटिक्स से, गेम से जो इन्होंने खेले हैं, या फिर टेम्प्रेरी चीज़ों से, जैसे ऑनलाइन लड़कियों से बात करना शुरू कर देना, ऑनलाइन किसी के पिक्चर लाइक करके खुश होना, ऑनलाइन किसी को देख के बहक जाना, ये सब चीज़ें बंद कर दी है। ऐसा लगता है धीरे धीरे इनका फोकस जो है वो आपके ऊपर आ रहा है पूरी तरीके से, क्योंकि इंसान अपनी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रहा है। ये घर बसाना चाहते हैं, इस इंसान की ख्वाहिश है कि आपके साथ सेटल होना चाहते हैं। जी हाँ, इस बात में कोई डाउट नहीं है, ये सेटल आपके साथ होना चाहेंगे, और डायरेक्टली मुझे लगता है ये आपकी ओर बढ़ रहे हैं। स्पेशली ये जो पिंक कलर है, मुझे लगता है कि आप दोनों की शुरुआत तो दोस्ती से हुई थी, या फिर ये पर्सनल रिलेशनशिप चाहते थे, या आपने बोला था कि नहीं, मुझे बस फ्रेंड्स रहना, मैं इन सब चीज़ों में नहीं हूँ। कुछ भी हो, लेकिन
इस पर्सन की तरफ से हमेशा आपके लिए प्यार ही रहा है। अगर सच बताऊं तो इन्होंने कभी आपको दोस्त माना ही नहीं, कभी भी नहीं। दिल में प्यार रहा है, दिल में हमेशा से प्यार रहा है, और इसी प्यार को ये पर्सन आगे एक कहते नहीं परमानेंट लाइफ पार्टनर वाले रिश्ते में, फैमिली वाले रिश्ते में बदलना चाहते हैं। ये पर्सन आपके ऊपर एक तरीके से टैग लगा देना चाहते हैं, पर्सन बोल देना चाहते हैं पूरी दुनिया को, जब तक जहाँ में सुबह शाम है तब तक मेरे नाम तू। ये सॉन्ग है, ठीक है, देखिएगा ज़रूर, बहुत अच्छा सॉन्ग है, हो सकता है आपको ये बहुत पसंद हो। पर ये पर्सन बार बार इस सॉन्ग को गुनगुना रहे हैं, ये पर्सन बार बार उस चीज़ को बोल रहे हैं। मुझे एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है, ये रिश्ता जहाँ आपको लग रहा है ना बार बार कि ख़त्म हो गया ख़त्म हो गया ख़त्म हो गया, एक्चुअल में ये रिश्ता यहाँ से शुरू होने वाला है, यहाँ पे एक नई शुरुआत होता हुआ आप देखोगे, ठीक है। ये पर्सन आज से पहले इतना हम्बल और इतना ज़्यादा सबमिसिव मुझे नहीं दिखा है, जहाँ पे ये पर्सन अपनी पूरी बागडोर आपको देकर यह बोलने वाले हैं कि लो भाई जो मन में आए करो, अब तो मैं पूरी तरीके से तुम्हारा हूँ या तुम्हारी हूँ, जो तुम्हें सही लगे वो बोल देना, बस एक बार बोल के देखना, मैं करने के लिए हाज़िर हूँ। मतलब ये पर्सन अब कुछ भी करने के लिए तैयार है, जैसे कहते हैं दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे सनम। ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा रेजोनेटेड। दूसरा ये कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।